सौरभ चंद्राकर कल अचानक दिख कैसे गया, ये भी बड़ा सवाल है। क्या गिरफ्तारी हुई थी? गिरफ्तारी हुई थी तो सौरभ चंद्राकर कल शिव महापुराण की कथा में कैसे नजर आ गया, जिसके यजमान खुद सौरभ चंद्राकर है? झूठा साबित कर रहे हैं, यहाँ रोज एक सप्ताह में आ जाएंगे, महीने दिन में आ जाएंगे, गिरफ्तार कर लिया गया है, नजर बंद है, ये सब बातें पर्दाफाश कर रही है। सौरभ चंद्राकर दाऊद इब्राहिम से संबंधित है, वो एक भारत देश का गुनहगार है और प्रदीप मिश्रा उनका प्रवचन देने गए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदीप मिश्रा भी गुनहगार है और प्रदीप मिश्रा के जो संस्था है उसमें बड़ी मात्रा में फंड गया है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रदीप मिश्रा को भी यहाँ गिरफ्तार करे, ऐसी हमारी मांग है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। कल आपने भिलाई टाइम्स में वीडियो देखा, ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल को देखा, साथ ही कंतराष्ट्रीय कथावाचक, शिवपुराण कथा कहने वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को भी देखा। भिलाई टाइम्स ने उस वीडियो को प्रायोरिटी से दिखाया, प्रमुखता से दिखाया, जैसा कि हमने पहले वीडियो दिखाया था, पहले खबरें बताई थी कि सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तारी की खबरें सिर्फ हमने नहीं दिखाई थी, गिरफ्तारी की खबरें देश भर में तमाम मीडिया, तमाम टीवी चैनलों में, तमाम अखबारों में, तमाम वेबसाइट पर चली थी, हमने भी दिखाया था। इसके अलावा तमाम नेताओं ने उस पर बयान भी दिया था कि सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गया है। लेकिन सौरभ चंद्राकर कल अचानक दिख कैसे गया, ये भी बड़ा सवाल है। क्या गिरफ्तारी हुई थी? गिरफ्तारी हुई थी तो सौरभ चंद्राकर कल शिव महापुराण की कथा में कैसे नजर आ गया, जिसके यजमान खुद सौरभ चंद्राकर है? सौरभ चंद्राकर ने 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर तीन दिनों तक चंद्राकर परिवार ने यह शिव महापुराण की कथा दुबई में ग्रैंड तरीके से कराया। इसके साथ ही पूरा परिवार, सिर्फ सौरभ चंद्राकर का परिवार नहीं, और भी बड़े लोग थे जो महादेव सट्टा ऐप में इन्वॉल्व हैं, जिनके खिलाफ अलग अलग थानों में FIR दर्ज है, जिनके खिलाफ ED ने मामला पंजीबद्ध किया है, जिनके खिलाफ EOW ACB ने मामला पंजीबद्ध किया है, वो तमाम लोग कल नजर आ रहे थे वीडियो में, बाकायदा आस्था चैनल में लाइव चल रहा था। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया ये वीडियो जो आ गया, खबरें आ गई, अब क्या होगा? आज भी इस पर लगातार खबरें बनी और अखबारों ने खबर छापी कि महादेव सट्टा ऐप का प्रमोटर शिव महापुराण कथा करा रहा है। कथा कराना अपराध नहीं है, लेकिन जिस शख्स को, जिस आरोपी को पुलिस ढूंढ रही है, ED ढूंढ रही है, वो आराम से शिव महापुराण कथा करा रहा है, अपने आप में हैरानी करने वाली बात है। तो आज इस पर जो है, इस वीडियो के बाद, कल जब आपने देखा भिलाई टाइम्स में उस खबर के बाद क्या हुआ, तो आपको बता दूं कि आज इस पर सुबह से हड़कंप मच गया और गिरफ्तारी की मांग हो गई पंडित प्रदीप मिश्रा की। पंडित प्रदीप मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग इसलिए क्योंकि ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक का पैसा उनकी संस्था को दिया गया है, ऐसा आरोप लगाया गया। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के जो अध्यक्ष हैं पूरन साहू, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन में उन्होंने यही लिखा है। क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ स्वाभी मंच के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन लाल साहू, उन्होंने कहा कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा की गिरफ्तारी हो और कार्रवाई की जाए। उन्होंने बयान भी दिया है, वो बयान आपको आगे देखने को मिलेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका नाम भी इस केस में आया था, जिनके ऊपर पिंटू सोनी, जो महादेव बुक का खुद को मालिक बताया था, उसने ये आरोप लगाया था कि मैंने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपये दिए हैं, ऐसा उसने आरोप लगाया था। बकायदा वीडियो जारी हुआ था विधानसभा चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले की बात है। उसके बाद उस वीडियो ने सरगर्मी खूब बनी, उस वीडियो पर काफ़ी बातें हुई और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई, EOW ने केस दर्ज किया। उस वीडियो के बाद, उस बयान के बाद, आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर बयान दिया है, उन्होंने सरकार पर तंज कसा है। इसके अलावा इंटरपोल मुख्यालय में कंप्लेन हुई, RTI एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने इस पर कंप्लेन दर्ज कराई है, उन्होंने इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो चीज़ें आपने देखी, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथा कही है सौरभ चंद्राकर के घर जाकर, दुबई जाकर, तो उनके खिलाफ़ भी FIR होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी शिकायत होनी चाहिए, और ये भी एक विषय था। तो ज़रूरी अपडेट था, जानना ज़रूरी था कि इस विषय को लेकर आज क्या कुछ हुआ। आगे आप सुनेंगे पूरन साहू ने क्या कुछ कहा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, जो आपको जानना जरूरी है। इस पर अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। जो भी अपडेट आएगा, जो भी खबरें आएगी, हम आपको बताते रहेंगे। उस समय गिरफ्तारी की खबरें आई थी, गिरफ्तारी को लेकर अपडेट आया था, तब हमने खबर दिखाई, और इस समय सौरभ चंद्राकर शिव महापुराण कथा करा रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कथावाचक में महादेव सरगना सौरभ चंद्राकर, रोहित उप्पल देखे गए, प्रसारित हुआ, किस ऊपर देख रहे हैं? देखिए, सरकार के एजेंसी के जो दावे हैं वो
अपने आप में उसकी उपस्थिति झूठा साबित कर रही है। यहाँ रोज एक सप्ताह में आ जाएंगे, महीने दिन में आ जाएंगे, गिरफ्तार कर लिया गया है, नज़रबंद है, ये सब बातें वो खुद पर्दाफाश कर रही है। रेड कॉर्नर भी जारी किया गया था, अब वो देख लीजिए क्या कॉर्नर जारी हुआ है। ये किस विषय को लेकर आज कलेक्ट्रेट गए थे? आज हम लोग कलेक्ट्रेट मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने गए थे। महादेव ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर, छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने दावा किया था कि हमने सौरभ चंद्राकर को दुबई से गिरफ्तार कर लिया और उनको कुछ दिन में हम भारत लाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखा गया ये है कि ये 9, 10 और 11 को प्रदीप मिश्रा के द्वारा शिव महापुराण दुबई में करवाया गया है और उसके करवाने वाले सौरभ चंद्राकर जी थे और सौरभ चंद्राकर के जितने भी अपराधी है वो सारे उस कथा पुराण में शिव महापुराण में शामिल थे। ये बात की पुष्टि हो गई है? ये बात की पुष्टि हो चुकी है और खुद प्रदीप मिश्रा जी ने अपने जुबान से सौरभ चंद्राकर का नाम लिया था और उन्हें धन्यवाद किया था और जितना कार्यक्रम में संचालन किया उनको धन्यवाद दिया। जो जो क्रिमिनल है जिनका भारत देश के बड़े बड़े एजेंसियां उनकी छानबीन कर रहे हैं, उनका नाम आ रहा है, उनका नाम प्रदीप मिश्रा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रदीप मिश्रा भी उसमें गुनहगार है क्योंकि गुनहगार का साथ देने वाला भी गुनहगार होता है। हमने आज कलेक्टर महोदय जी से मांग मुख्यमंत्री के द्वारा मांग किया है कि सौरभ चंद्राकर दाऊद इब्राहिम से संबंधित है, वो एक भारत देश का गुनहगार है और प्रदीप मिश्रा उनका प्रवचन देने गया है तो कहीं ना कहीं प्रदीप मिश्रा भी गुनहगार है और प्रदीप मिश्रा के जो संस्था है उसमें बड़ी मात्रा में फंड गया है तो ऐसे व्यक्ति को प्रदीप मिश्रा को भी यहाँ गिरफ्तार करें, ऐसी हमारी मांग है। जिनके यहाँ कथा सुनाने के लिए दुबई महाराज जी हुए हैं, जी जी, ये भी लोग सवाल कर रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा जी को क्या नहीं पता है कौन है चंद्राकर? जब सारे भारत देश के लोगों को मालूम है सौरभ चंद्राकर एक भारत के बहुत बड़े क्रिमिनल है, महादेव ऐप का संचालन कर रहे हैं, देश के युवाओं का जीवन खराब कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को उद्योगपति इसमें शामिल है, तो सभी को मालूम है, तो प्रदीप मिश्रा को कैसे मालूम नहीं होगा? प्रदीप मिश्रा को मालूम है, सब मालूम है और प्रदीप मिश्रा के संस्था में महादेव ऐप का पैसा आया है, ये हम पूरी दावा से बोल सकते हैं। और इसके अलावा भी जो प्रदीप मिश्रा जी एक समाज के एक धर्म सनातन धर्म के प्रचारक है, ऐसे में लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी किया जाए और इसके अलावा आस्था चैनल पर भी कार्रवाई करें, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए इस पे। सरकार से क्या मांगे लगातार? सरकार से मांगे जो भी इसके पीछे कार्रवाई है उस पे कार्रवाई करे, जो भी उस फुटेज में आ रहा है सब पे कार्रवाई करे और प्रदीप मिश्रा को सबसे पहले गिरफ्तार करके इस पे जांच पड़ताल किया जाए। कलेक्टर मैडम ने कलेक्टर महोदय जी ने कहा है कि हम इस पे आगे भेज रहे हैं और मुख्यमंत्री से हम बात रखेंगे, हमारी बात कैसे उन्होंने कहा है। आपका परिचय? मेरा नाम पूरनलाल साहू, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच केंद्रीय अध्यक्ष।